नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों एक सांसद वाली पार्टी को, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट दे दी। क्या है चिराग पासवान के साथ होने का नफा और नुकसान? चिराग पासवान पर इतनी मेहरबान क्यों है बीजेपी? चलिए जानते हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार एनडीए में चिराग पासवान पर बड़ा दाव लगाया है और उनके चाचा पशुपति पारस को किनारे लगा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर एक सांसद वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके इकलौते सांसद चिराग पासवान खुद है, उनको बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीट लड़ने को क्यों दी? और आखिर क्यों 5 सांसदों वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं, उनको एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई? दरअसल पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में क्या हैसियत है, इसका अंदाजा साफ तौर पर लग सकता है। खास करके 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी ने भले ही उस चुनाव में केवल 1 सीट पर जीत हासिल की थी, मगर उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, उसके कारण जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बना दी थी, जो एक वक्त में बिहार में पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2020 से बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 120 सीट ऐसी थी जहां पर वोटकटवा पार्टी या उम्मीदवारों ने दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। दिलचस्प बात यह रही कि 120 सीट में से 54 सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने ही दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। आंकड़े बताते हैं कि 54 सीट पर एलजेपी तीसरे नंबर पर आई थी और लोजपा उम्मीदवार को पहले स्थान और दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। इसका मतलब साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के इन 54 उम्मीदवारों के वोट अगर दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को मिल जाते तो फिर चुनाव में बाजी पलट सकती थी। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में 25 सीट ऐसी थी जहां पर जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर आई थी और पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार के जीत के अंतर से ज्यादा वोट लोजपा उम्मीदवार को मिला था। इसी तरीके से 12 सीट ऐसी थी जहां पर चिराग पासवान की पार्टी ने राजद को नुकसान पहुंचाया और 10 सीटों पर कांग्रेस को। 2020 विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत और हार के अंतर पर नजर डाले तो साफ स्पष्ट है कि चिराग पासवान अगर इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए थे और उनकी वजह से ही एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। एनडीए को कुल 1,57,1,226 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन को 1,56,88,458 वोट मिले, यानी कि दोनों गठबंधन में जीत और हार का अंतर केवल 12,768 वोट का था। अब विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पूरे राज्य में चिराग पासवान की पार्टी को 23,83,457 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 5.66% था, जो साफ तौर पर बताता है कि चिराग पासवान अगर मैदान में नहीं होते तो फिर बाजी पूरी तरीके से पलट सकती थी। तो देखा आपने और समझ भी लिया होगा कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी के राज में चिराग पासवान के अब अच्छे दिन आ गए और पशुपति पारस के अब तक अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन सीट शेयरिंग के वक्त अचानक से बुरे दिन आ गए और पारस जहां 5 सांसदों वाली पार्टी खुद को बताते थे, उनको 1 सीट भी बीजेपी ने नहीं दी और 1 सीट वाले चिराग पासवान को 5 सीट दे दी। पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह की यह रिपोर्ट आप देख रहे थे।